जैन फैंस, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि रेलवे ने एक नई अप्रेंटिस भर्ती निकाली। साथ ही इसमें क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों 10वीं पास प्लस ITI मांगा है इसमें सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ। तो जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो हम जानेंगे इसका फॉर्म कब से अप्लाई होना है साथ ही यहाँ पर और कब तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन मोड, स्टार्टिंग डेट से लेकर सिलेक्शन मोड तक बताऊंगा और साथ साथ दोस्तों इसका जो कटअप है वो कितना जा सकने वाला ठहरा, ये सभी को डिटेल के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं साथ ही यहाँ पे डिटेल्स को। तो साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे PLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे, ठीक है, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की, जो 9 अक्टूबर 2023 है इसका स्टार्टिंग डेट है साथ ही यहाँ पे, और लास्ट डेट इसका रहने वाला है साथ ही लास्ट डेट इसका 31 अक्टूबर 2023 रखा गया है, ठीक है। वहीं पे बात करें साथ ही यहाँ पे कि एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों अगर आप जनरल OBC EWS वालों से हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। अगर आप PH कैंडिडेट वाले हैं या फीमेल्स हैं तो ये आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करने पड़ेगा साथियों, फ्री आप कॉस्ट है इनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन दोस्तों, तो जॉब लोकेशन इसका जो है वो पटियाला है यहाँ पे, ठीक है। और बात करें एज लिमिट की, तो एज दोस्तों आपका 31 अक्टूबर 2023 से काउंट की जाएगी, जिसमें आपका मिनिमम 15 साल से कम और मैक्सिमम 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ओके। और आपका अगर SC ST से बिलोंग करते साथी हो तो आपको यहाँ पे एज पर रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। वहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो 295 पोस्टें दी है, 295 पोस्टें अप्रेंटिस का निकला है साथियों, ठीक है। सो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अब जानते हो दोस्तों ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो 140 पोस्ट दिया गया है, सो ध्यान से देखें दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का 140 पोस्ट है, मैकेनिस्ट का यहाँ पे 15 पोस्ट है, वेल्डर का 25 पोस्ट है इसमें, ठीक है। एंड वहीं पे बात करें डीजल का, यहाँ पे आपका है 40 पोस्ट है, एंड फीटर का जो है दोस्तों 75 पोस्ट दिए गए हैं। साथ साथ बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जैसे मैंने कहा दोस्तों अगर आप 10th पास है और अगर आपका ITI NCVT से है, NCVT से आप किए दोस्तों, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो यहाँ पे, वेल्डर हो यहाँ पे, डीजल मैकेनिक हो दोस्तों, वेल्डर हो यहाँ पे, अगर आपका NCVT से किए दोस्तों तब आपका फॉर्म इसमें भर सकते दोस्तों, ठीक है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे साथियों। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई दोस्तों, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए वहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है दोस्तों ITI की मेरिट के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यहाँ पे, और जितना हो सके अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।